हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए इंडिया की नंबर वन स्टील कंपनी में इंटर्नशिप लेकर आ गया हूं, जो कि टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड की तरफ से लेटेस्ट इंटर्नशिप होने वाली है। इस इंटर्नशिप के लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। आप फ्रेशर कैंडिडेट है, आपने अंडर ग्रेजुएट कर रखा है, आपने बीई बीटेक कर रखा है, एमबीए सीए कर रखा है, हर कोई इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जो इंटर्नशिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जिनके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि टाटा स्टील के तरफ से आप सभी को इंटर्नशिप करने के दौरान ही जॉब की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर आप लोगों को डीपली नॉलेज दिया जाता है, आप लोगों को बताया जाता है कि टाटा स्टील कंपनी में वर्क कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस इंटर्नशिप में बताई जाती हैं। तो ये इंटर्नशिप बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप सभी इंडिया की नंबर वन स्टील कंपनी में, मतलब कि टाटा स्टील कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप सभी एंड तक वॉच करें। आप सभी को मैं बताऊंगा कि कैसे आप सभी टाटा स्टील कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो भी मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड की तरफ से आप सभी के लिए जो इंटर्नशिप निकाली गई है उसका जो यहाँ पर डिटेल है वो बताया गया है। टाटा स्टील कंपनी बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इनकरेज करती है कि आप सभी हमारे यहाँ पर आकर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसका जो ड्यूरेशन है वो 8 से 12 वीक का होता है। यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में नॉलेज दिया जाता है, आप लोगों को कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है, और यहाँ पर आप लोगों को सारा डिटेल्स मेंशन किया रहता है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप सभी देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनको जॉब का भी एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप सभी TSDPL में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप सभी को यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप सभी अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंटर्नशिप फॉर्म है ये, तो आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से सारी डिटेल्स को फिल करना है। तो क्या डिटेल्स को फिल करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी ने बीटेक कर लिया है या फिर बीई कर लिया है, अगर आप सभी का 6th सेमेस्टर कंप्लीट है, या फिर आप सभी ने एमबीए किया हुआ है, आप सभी का 2nd सेमेस्टर कंप्लीट है, आप सभी ने सीए कर लिया है, तो आप सभी कोई यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्स को कैसे फिल करना है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली अपना नेम फिल करना है, उसके बाद आप लोगों को मिडिल नेम फिल करना है, उसके बाद आप लोगों को लास्ट नेम फिल करना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करना है। जो भी डिटेल्स है आप लोगों को अच्छे तरीके से फिल करना है। आप लोगों का जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आप लोगों को डिटेल में फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जेंडर आप लोगों को फिल करना है, मेल है फीमेल है, कैटेगरी आप लोगों को सेलेक्ट करना है, आप सभी SC से आते हैं या फिर ST से आते हैं, जो भी आप लोगों का कैटेगरी वो सेलेक्ट करें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है, अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना होता है, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर फिल करना है, आप फ्रेशर है तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। प्रीफर्ड लोकेशन में आप लोगों को यहाँ पर अपना लोकेशन को यहाँ पर फिल कर देना है, जिस भी लोकेशन से आप लोग इंटर्नशिप करना चाहते हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर एक अपडेट CV यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका मैक्सिमम साइज 5 MB का होना है। उसके बाद आप लोगों के पास कोई रेफरेंस है तो आप लोग रेफरेंस यहाँ पर डाल सकते हैं। अदर डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है या फिर अदर डिटेल्स है तो। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर अपना कैप्चा को फिल करना है, उसके बाद आप लोगों को सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सभी सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इंटर्नशिप का जो भी फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को टाटा स्टील के तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके ईमेल में, ठीक है, और सारा प्रोसेस आप लोगों को बताया जाता है। यहाँ पर एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है ना, तो आप लोगों को सारा डिटेल में बताया जाता है ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आप सभी को अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया है इस इंटर्नशिप के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।